Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm gonna tell you about the things which girls should must have. सो गाइज ये पार्ट वन है जो कि स्किन केयर एडिशन है और मैं इसका पार्ट टू भी ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आई विल शेयर एवरी थिंग. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. सो गाइज पहली चीज़ जो मैं दिखा रही हूँ दैट इज़ फेस वॉश और क्लेंजर जो कि आप अपनी मर्जी का अपना फेवरेट ले सकते हैं विच इज़ एसेसिबल फॉर यू. और फेस वॉश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करते हैं तो इट रिमूव्स ऑल ऑफ इम्प्योरिटीज जर्म्स एंड पार्टिकल्स फ्रॉम आवर फेस विच मेक्स आवर फेस इरिटेंट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कोई सा भी ले सकते हैं. और इफ़ यू हैव एक्नी तो आप ये मैक एक्नी क्लीन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड एंड इट क्लियर्स एक्नी. इट वर्क्स वंडर फॉर द एक्नी स्किन. और वरना आप यहाँ पे कोई सा भी इसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ फेस वॉश ट्वाइस अ डे. सो गाइस सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ यहाँ पे वो है फेस टूनर. यहाँ पे आप कोई सा भी टूनर ले सकते हैं बट आई रिकमेंड रोज़ वाटर एज एन एक्सेलेंट टूनर क्योंकि रोज़ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हमारी स्किन को किसी भी तरीके का हार्म जो है वो नहीं पहुंचता है. और ये हमारी स्किन के पोर्स को इनलार्ज करने में हेल्प करता है, उनको मिनिमाइज करता है, हमारी स्किन के लाइक पोर्स को लॉक कर देता है और हमारी स्किन को टाइट और ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है. तो टोनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन. सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ दैट आर सीरम्स. और यहाँ पे आप कोई सा भी अपना फेवरेट सीरम फेवरेट ब्रांड का चूज़ कर सकते हैं. और मैं ऑयली स्किन वालों के लिए गार्नियर विटामिन सी जो है वो प्रेफर करूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेट और बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी डार्क स्पॉट्स को जो है वो फेड कर देता है. और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है ये. और दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास ये बायो एक्वारोरिक राइस सीरम है विच इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन. और ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी वाटर बेस्ड है तो ये इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता लगाने से. सो गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि उनको सीरम लगाने के बाद उनकी स्किन जो है वो डार्क फील होती है, वो इसलिए बिकॉज वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो सीरम चूज़ नहीं करते हैं. तो हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है सीरम हमें वो चूज़ करने चाहिए. सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है मॉइस्चराइज़र विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ऑयली स्किन वालों को जो मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र ऑन ऑयली स्किन एज वेल एज ऑन ड्राई स्किन. सो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगी हूँ दैट इज सन ब्लॉक विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड इट शुड मस्ट हैव विद एवरी वन. और इसको रीअप्लाई करना जब आप बाहर हों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको रीअप्लाई करते रहें बिकॉज सनस्क्रीन के बगैर आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी. तो आप कोई भी अपना फेवरेट सनस्क्रीन या सन ब्लॉक ले सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो प्लीज़ स्टिक विद इट. सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगी हूँ दैट आर डीप क्लेंजिंग नोज स्ट्रिप. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हमारी स्किन पर ऑयल आता है स्पेशली नोज पर तो क्लॉक पोर की वजह से वहाँ पर ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स बन जाते हैं. तो ये उनको रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है. और इसके सैशेट पे जौन सा भी ब्रांड का आप लें, जौन सी भी कंपनी का लें, उसके पीछे पूरा मेथड लिखा हुआ होता है. और ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ईजिली जो हम अपनी नोज पर से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स रिमूव कर सकते हैं. तो आप इसको ले सकते हैं, ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है फॉर गर्ल्स और इवन बॉयज़ क्योंकि बॉयज़ के लिए भी स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ले सकते हैं आप लोग ये. और नीचे भी देख लें यहाँ पे इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज़ पील ऑफ मास्क. एवरी यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है ये और ये बहुत बहुत अच्छा है. ये इसका न्यू एडवांस फॉर्मूला है और ये बहुत अच्छी ब्रांड है, आप इसका ये ज़रूर लें. और ये जो है आप अपनी स्किन पर 15 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करना होता है और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो इसको जब आप रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन पर से सारा डर्ट, सारे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स सब रिमूव हो जाते हैं. और एक अच्छी बात इसकी ये है कि इससे हमारी स्किन जो है वो रेड और बिल्कुल इरिटेंट बिल्कुल भी नहीं होती है. तो ये ले सकते हैं आप. सो यस गाइज ये था मेरा पार्ट वन ऑफ मस्ट हैव प्रोडक्ट्स स्पेशली ऑफ स्किन केयर एडिशन. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इसका पार्ट टू लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर स्किन केयर एडिशन के अलावा बहुत से लाइक लाइफस्टाइल प्लस हाइजीनिक के प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे. सो यस आप वेट करें मेरी वीडियो का. और अगर आप कोई अलग कंटेंट भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, या अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यूज़ या एनी काइंड ऑफ क्वेरी है आपको सो प्लीज़ कमेंट बिलो. सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवेंट येट. और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा एंड कमेंट बिलो फॉर अदर वीडियोज़. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.